बीजेपी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने सियासी क्षेत्र जनपद अमेठी पहुंचे। अमेठी पहुंचकर वो सीधे मृतक विजय शुक्ला के घर पहुंची और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत बधाई। लेकिन उनकी इस मुलाकात से कई अहम सवाल भी उठ रहे हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइमनेशन की खास खबर। ये तस्वीरें मृतक विजय शुक्ला के घर की, जहां सांसद स्मृति ईरानी उनके परिवार से मिलने पहुंची। दरअसल विजय शुक्ला इस बार हुए चुनाव में जिला पंचायत सदस्य पद पर खड़े थे, साथ ही उनके बेटे भी इस पद के दावेदार थे। चुनाव प्रचार के दौरान एक खास बात देखी गई कि विजय शुक्ला अपने चुनाव चिन्ह के बजाय अपने बेटे के चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रहे थे। सियासी जानकारों के मुताबिक विजय शुक्ला मतदाताओं को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान ही विजय शुक्ला की पत्नी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वो कोरोना संक्रमित थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब मतदान से ठीक एक दिन पहले विजय शुक्ला ने भी दम तोड़ दिया। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी विजय शुक्ला की मौत की खबर पूरे जिले में जंगल की आग की तरह फैल गई। बावजूद इसके अगले दिन मतदान हुआ। नियम के हिसाब से प्रत्याशी की मौत होने पर तत्काल प्रभाव से मतदान रद्द कर दिया जाता है, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया और तय वक्त यानी कि विजय शुक्ला की मौत के ठीक एक दिन बाद ही मतदान करवाया गया। खैर, सांसद स्मृति ईरानी विजय शुक्ला के घर पहुंची है, जहां उन्होंने पूरे परिवार को ढांढस बंधाया। इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि सांसद स्मृति ईरानी जामो थाना इलाके में रहने वाली उस 12 साल की बच्ची के घर भी जा सकती हैं, जिसका कत्ल कर उसकी लाश को पेड़ से लटका दिया गया था। ये मामला 13 मई का बताया जा रहा है। उस वक्त मौके पर पुलिस आलाधिकारियों के साथ साथ विधायक और राज्य मंत्री सुरेश पासी भी पहुंचे थे। इस दौरान राज्य मंत्री सुरेश पासी ने फोन कर सांसद स्मृति ईरानी की बात पीड़ित परिवार से करवाई थी। उस वक्त किसी ने एक दिन तो किसी ने एक हफ्ते में मामले के खुलासे का दावा किया था। उम्र बकरिया चराने गई थी, तो वहाँ से तो ज्यादा टाइम हो गई, तो वहाँ से बकरिया वापस आई और उसके बाद हमारी बड़ी बहन ने जाकर देखा तो वहाँ उसको मारकर टांग दिया गया था। उसके गले और गोड़ में निशान थे और पेट में भी निशान थे, और पुलिस आकर वहाँ देखा लेकिन उस पर कार्रवाई कर नहीं रही, और पुलिस ने एक हफ्ते का टाइम मांगा था एसपी साहब ने, और मंत्री जी ने 3 रोज का टाइम मांगा था, फिर भी कुछ हो नहीं रहा। जिन लोगों पे हमें शक है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो लोग। इस वारदात को करीब 15 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज तारीख तक मामला जस का तस बना हुआ है। लिहाजा ये उम्मीद जताई जा रही है कि सांसद और केंद्रीय मंत्री पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करने पहुंच सकती है। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।